हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, भारत दर्शन की इस कड़ी में आज हम आपको लेकर के चलने वाले हैं अपने घर से घाटमपुर में, इससे जो कुष्माना देवी का मंदिर है वहाँ पर। तो फिलहाल देख सकते हैं आप लोग, हम घाटमपुर में अपने घर से निकल करके बाहर आ चुके हैं और ये जो ओवरब्रिज देख रहे हो ना, ये घाटमपुर में बन चुका है। आप लोगों ने एक मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने घाटमपुर की पूरी जानकारी दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल में मेरे जाकर के देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फिलहाल मैं घर से निकल करके आ चुका हूँ और ये देख सकते हैं, बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं अपने घाटमपुर के चौराहे में और हम पैदल ही चल रहे हैं। और जो कुष्माना देवी के जो दोस्तों मंदिर है ना, वो तकरीबन मेरे घर से 1 से 2 किलोमीटर पूरा। दोस्तों देख सकते हैं इस टाइम पे जो घाटमपुर में अभी सुबह का माहौल है, तो फिलहाल एकदम से शांति है रोड में। और यही अगर आप 9-10 बजे के बाद में अगर घाटमपुर में आते हैं ना, तो भाई साहब आपका जो दिमाग है ना, वो पी पाँ टी टा सुन के ना, बिल्कुल से भों भाँ सुन के बिल्कुल दिमाग का दही हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस टाइम पे जो दुकानें हैं बिल्कुल खाली पड़ी है, रोड बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये गलियां ना, गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। हाँ तो मित्रों, देख सकते हैं आप लोग कि हम कुष्माना देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और ये जो रोड है दोस्तों, ये पूरा जो रोड है पूरा सीधे कुष्माना देवी मंदिर के लिए जाता है। तो सामने जो देख रहे हैं आप ना, यही कुष्माना देवी जी का मंदिर है। थोड़ा सामने दिखाई दे रहा है, कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दुकानें हैं ये उसी प्रांगण की हैं, कुष्माना देवी मंदिर के प्रांगण की। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं मंदिर, वो सामने देख सकते हैं आप लोग। ये आ गया माँ कुष्माना जी का द्वार, अब हम इसके चलेंगे इसके अंदर। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इसमें ना पहले की बीच अब रिनोवेशन काफ़ी हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो रास्ता है ना मेन, यहाँ पर ये रास्ता अलग से बना दिया गया है, काली रोड पूरा बना दिया गया है। और ये पूरा मंदिर है माँ कुष्माना देवी जी का, अभी आपको हम पूरा मंदिर दिखाएंगे। और दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हो ना, यहीं पर जब शिवरात्रि आती है तो यहाँ पर जो शिव बारात आती है, तो जो शिव और पार्वती जी का जो विवाह होता है, और दोस्तों यहीं पर इसी जो जगह है, इसी जगह पर इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। और उसका तो वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक यूट्यूब के चैनल में, इस वीडियो चैनल उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं यज्ञशाला। ठीक है, और यहीं पर जो दोस्तों भंडारा भी लगातार चलता रहता है, जैसे कोई मुसाफिर यहाँ पर फंस गया या गरीबों के लिए, इस तरीके से यहाँ पर भंडारा बराबर चलता रहता है दोस्तों। और यहीं पर एक अपने जो भगवान भोले बाबा हैं, उनकी एक विशाल जो शिवलिंग है, वो अभी आपको हम दर्शन कराएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है वो विशाल शिवलिंग, काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों जो मंदिर है पहले से काफ़ी बदल चुका है, जो मैंने कुष्माना देवी मंदिर के 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाले हैं बना के, तो उन सबसे जो इस समय का है बिल्कुल रिनोवेशन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा मंदिर का, एकदम से बदल चुका है अगर आप लोग देखेंगे तो। चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं अब ये मंदिर का जो बाहर का जो लुक है वो देख सकते हैं आप लोग, और वो मंदिर में प्रसाद की दुकानें बराबर खुली रहती हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग मंदिर का जो बाहर का नज़ारा है। चलिए फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहें। धन्यवाद।